अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खैर मुकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूँ आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुँचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल आपने सही सुना, एक ऑर्डर अभी हमारा निकला आया है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि हमारे कुछ मसाजिद, हमारे कुछ दरगाहें, जियारत शरीफ, जहां पर इमामों और खतीबों की बहुत ज़रूरत थी, और एक साल अब ख़त्म हो गया और हम जो नायब इमाम रहते थे, खतीब रहते थे, उनसे काम लेते थे, लेकिन अब वक्त का तकाजा है कि कहीं पे हमारे जुम्मा के इमाम साहिबान जो खतीब भी रहते हैं, वो बहुत उम्र रसीदा है, और उस पे तुरा ये है कि जो मुक्तदी रहते हैं उनको नमाज बिल्कुल समझ नहीं आती है, और इस पे काफ़ी हंगामे भी हो गए। अब हमें ये इक़्तदाम उठाना पड़ा कि आज जो हमारी नोटिफिकेशन निकली इसमें यही तय पाया गया है कि वक्फ बोर्ड में जो भी इमाम ख़तीब अब आएगा वो पढ़ा लिखा, सनद याफ्ता और बाज़ाब्ता बाशरही तरीके से सुन्नत के पाबंद होने चाहिए, और क्योंकि इमाम व ख़तीब हमेशा सुन्नत के पाबंद ही रहते हैं माशाअल्लाह, लेकिन ये हो कि जो मुक्तदी वहाँ पे नमाज़ पढ़ेंगे उनको शिकायत अब वक्फ से ना हो ना इमाम व ख़तीब से हो। बिल्कुल सही है कि तरमीम तो होनी चाहिए। अब अगर बाप इमाम व ख़तीब है लेकिन बेटा नहीं है तो उसके पीछे आज लोग नमाज नहीं पढ़ना चाहते हैं, मुक्तदियों का, और हमारे जितने भी जायरीन हैं, हमारे जितने भी नमाजी हैं, उन्होंने सबों ने हमारे पास ये बात रखी है कि हम उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। इस सिलसिले में बहुत सारी हमारी बड़ी ज़ियारतें हैं जहां से हमें शिकायतें मौसूल हुई, और उस पर क्योंकि हमारा हक बनता है, हमारा दायरे इख्तियार में वक्फ है, और वक्फ को फ़आल बनाना पहली बात हमारी ये है कि हमारी दरगाहें, हमारे मसाजिद में ऐसी कोई नौबत ना आए जहां हमारे जायरीन और हमारे नमाजी नमाज पढ़ने से कतराएं।